हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है एसी व्लॉग्स एंड रेसिपीज। आज हम बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग डिश बनाने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं मेरे हस्बैंड अक्षय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम बनाने वाले हैं मुर्ग मुसलम, वो भी ओवन। मुर्ग मुसलम के बारे में आपको बताता हूँ, एक जो डिश है वो मुगलाई डिश है और ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुई थी। और ये मुर्ग मुसलम का मतलब होता है होल चिकन, पूरा चिकन। और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ही पॉपुलर है। तो सुनने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिश लग रही है, तो आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं किचन में। देखने में कितना लजीज लग रहा है ये मुर्ग मुसलम। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप दही, जिसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून पुदीना मिर्च और कोरिएंडर की पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरे की पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबल टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं नींबू का रस ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं हाथों से सबको मिक्स करूँगा क्योंकि हाथों से अच्छे से मिक्स होता है। चिकन को मैंने पहले से धो के साफ करके लिया था और होल चिकन को आप किसी भी चिकन शॉप से खरीद सकते हैं। चिकन को सभी बाजू से मैरिनेशन करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम और अंदर भी मैरिनेशन डालेंगे। कट्स में भी हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेशन लगाएंगे। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट किया है और उसको 1 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। अगर आप चाहे ज़्यादा देर या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए अभी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी हम चिकन को रोटी सेवर में अच्छे से लगाएंगे। रोटी सेवर लगाते वक्त आप अपने हाथ को संभाल के रखिए क्योंकि आपके हाथ में लग भी सकती है।
अभी हम इसे माइक्रोवेव में ग्रिल मोड सिलेक्ट करेंगे और 20 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे। तब तक हम सैलेड बनाते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड शेप में कटे हुए ओनियन, कुकुम्बर, टमाटोस, लेमन और ग्रीन चिलीज ली है, जिसको हम बचे हुए मैरिनेशन में ऐड करेंगे। मैरिनेशन वेस्ट नहीं जाएगा और सैलेड को भी अच्छी टेस्ट आएगी। पैन में ऑयल लगा के हम सैलेड को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चिकन को ब्रश से ऑयलिंग करेंगे और 25 मिनट तक फिर से ग्रिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सैलेड बन चुका है। यहाँ पे हम चिकन को टूथपिक से चेक कर लेंगे। चिकन अब अच्छे से पक गया है और हम इसे हुक की मदद से बाहर निकाल लेंगे और रोटी शेयर से भी निकाल लेंगे। साइड पे सैलेड रख कर प्लेटिंग कर लेंगे और हमारा मुर्ग मुसलम रेडी है सर्व करने के लिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज अक्षय और मेरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हिट द बेल आइकन ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।